ये सब मशीन की यही प्रॉब्लम है भाई, कभी भी फंस जाता है। तो चलिए इसे मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रिमर का बैटरी को खोल करके और इसे चेक कर लेंगे क्या वोल्टेज बता रहे। तो देख सकते हैं काफ़ी ख़राब कंडीशन है बैटरी का। तो इसे अब ओपन करके और चारों ओर से इसे जहाँ जहाँ इसका स्क्रू उसको खोल लेंगे। इसका इंटरनल बैटरी का जो खांचा उसको हटा लेंगे और इस बैटरी को अच्छे से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि फिनिशिंग बढ़िया आए। अब कवर वगैरह नॉर्मली लगा के देख लेंगे क्या इसमें आ रहा है। इसके बाद ये जो सर्किट है इसको कोई काम नहीं है तो इसको फेंक देंगे। और यहाँ पे जो चार्जर है उसको बैक साइड इसे हमने प्लेस किया है और अच्छे से इसको फिटिंग करके चार्जर को, माइक्रो यूएसबी है। और ये जो स्विच है इस पर इंडिकेटर लगा लेंगे। और मोटर में हमें जो एक सर्किट बनाए थे यहाँ पे तीन रजिस्टर और एक डायोड वाला, उसको यहाँ पे सोल्ड कर देंगे नेगेटिव साइड और इसे फिट करने की कोशिश करेंगे। बॉडी में काफ़ी कम जगह है तो अच्छे से इसे फिट करेंगे ताकि अच्छा, मतलब अच्छा भी लगे और फिट भी हो जाए। और इसका जो इंडिकेटर है जो कि चार्जिंग के वक्त जो चार्ज होता है उसको बताता है, उस इंडिकेटर का जो रजिस्टर है उसको लगा लेंगे जो एलईडी से जुड़ा हुआ है पॉजिटिव साइड से। और यहाँ पे इंडिकेटर भी फिट हो चुका है, स्विच के जस्ट सामने है। जो इसका पहले से स्विच है उसी को हमने यूज़ किया है, अलग से हमने कोई स्विच इसमें लगाया नहीं। अब बचा है सिर्फ बैटरी का कनेक्शन और चार्जर का कनेक्शन। तो बैटरी का जो नेगेटिव है उसको जोड़ लेंगे और ये पॉजिटिव वाला वायर, पॉजिटिव पे जस्ट यहाँ पे स्विच के सामने हमने जोड़ा है पॉजिटिव को, यहाँ हमने पॉजिटिव को जोड़ दिया है। और जो यहाँ पे जो चार्जर है, चार्जर वाला पोर्शन है उसे हम यहाँ पे फिट करेंगे और चार्जर का नेगेटिव और पॉजिटिव इस प्रकार लगाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो, और सर्किट में भी हमने बता दिया, सर्किट को भी एक बार देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आता। तो पॉजिटिव को यहाँ पे सोल्ड कर लेंगे, डायरेक्ट बैटरी पे पॉजिटिव आएगा और जो नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ पे जो डायोड है जो कि रिवर्स प्रोटेक्शन डायोड इसमें लगा हुआ है उस जगह पे इसको सेटिंग कर देंगे, मतलब सोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे इस कवर को लगाने की कोशिश करेंगे कि कहीं प्रॉब्लम आ रहा है क्या वायर वगैरह पे, तो वायर वगैरह अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और ये जो बनने वाला है वो इतना पावरफुल रहेगा कि कभी नहीं फंसेगा मोटर, मतलब अगर आप बना रहे हो तो मशीन कभी भी, मतलब कोई भी कंडीशन पे फंसेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो पहले से लगा हुआ रहता है वो कम पावर का बैटरी वोल्टेज रहता है, मतलब 1.5 वोल्ट का रहता है। इस पर हमने 3.7 लगाया लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश किया है क्योंकि मोटर 3.7 वोल्ट डायरेक्ट नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग वगैरह अच्छे से ले रहा है और मोटर वगैरह रन कर रहा है। अब बाकी इसमें जो असेंबली है तो उसका ब्लेड वगैरह उसको लगा देंगे और स्क्रू वगैरह अच्छे से इस पर फिर से इसमें नॉर्मली टाइट कर देंगे। तो अगर ऐसा आपके पास कोई मशीन हो और ये जो प्रॉब्लम इस तरह कर रहा है तो इस तरह से आप मॉडिफाई करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क करेगा और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो देख सकते हैं सब कुछ बन चुका है, मोटर भी रन कर रहा है। अब इसका ब्लेड को हम लगा लेंगे, ब्लेड लग चुका है। अब देख सकते हैं मोटर अच्छे से रन कर रहा है और इसका बैटरी वाला साइड पर उसको बैटरी कवर लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं पूरी तरह से मॉडिफाई हो चुका है और अच्छे से वर्क करता है।